वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे खूबसूरत बालों की। आपके बाल कैसे खूबसूरत हो सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा हम अपने बालों पे लगा रहे होते हैं आज के दौर में, किसी और चीज पे नहीं लगा रहे होते, क्योंकि हमें अपने बाल बहुत खूबसूरत चाहिए, हेल्दी चाहिए। और जैसे ही वेदर चेंज होता है फिर हमें एक मसला फेस करना पड़ता है, वो है जी डैंड्रफ का। बहुत से लोगों के बालों में, सर में डैंड्रफ हो जाती है। क्या रीजन है, क्यों ये डैंड्रफ होती है, किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं और किस तरह से केयर कर सकते हैं, उस हवाले से एब्सोल्युटली। और सिर्फ वेदर के हवाले से नहीं, शायद एक तो रीजन होगी ना, हो सकता है वेदर की वजह से होती है, उसके साथ और कौन सी रीजन होती है कि डैंड्रफ जो है आपको होती है। फंगल इन्फेक्शन कब होता है, क्या सिर्फ वेदर के चेंज होने की वजह से होता है या किसी और मौसम में भी हो सकता है, और उसके अलावा डैंड्रफ होने की और कौन सी रीजन होती है और उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, ठीक किस तरह से किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर आतिफ कासमी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने आज मुझे दावत दी है, बहुत मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त हमें दिया। हमें अंदाजा है आप बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, उसके बावजूद भी आप हमें टाइम देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैं और आप जिक्र कर रही थी बालों के हवाले से, सब लोगों को खूबसूरत बाल चाहिए, हेल्दी बाल चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आजकल बाल जो हैं उतने खूबसूरत नहीं होते जितने पहले होते थे, और अब डैंड्रफ का भी मसला है, तो किस तरह से डैंड्रफ से आजाद सेहतमंद बाल मुमकिन हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो डैंड्रफ ये जेनेटिक होती है, मौरूसी होती है, मौरूसी होती है, ठीक है। अगर आप देखें जिसको भी डैंड्रफ है आपके, अगर किसी को है तो आपके वालिद वालदा बहन भाई या मदर साइड पे फादर साइड पे जो अजीज हैं उनमें किसी ना किसी को होगी, तो ये तो जो होगी नंबर वन जेनेटिक। और डैंड्रफ जो होती है, अगर आप ये कहें कि इसका सर्दी गर्मी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वंस इट इज देयर इट इज देयर, लेकिन डैंड्रफ सर्दियों में थोड़ी सी ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो स्किन ड्राई होती है, दूसरी बात यह है कि हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है। हम गर्मियों में तो पानी बहुत पीते हैं, स्किन फ्रेश नजर आती है, सर्दियों में पानी का हमारा इनटेक कम हो जाता है, इस वजह से डैंड्रफ जो है सर पे वो काफी है, वो बड़े बड़े स्केल बन जाते हैं और हम उनको अगर स्क्रैच करें तो वो हमारे कपड़ों पे भी गिरती है और वो नजर आती है। बिल्कुल ऐसे है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि डैंड्रफ के लिए हम लोग शैम्पू भी बनाते हैं, हमारे पास लोशन भी हैं, हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं माहिर मराद जिल्द, हम खुद एक लोशन और शैम्पू डिस्पेंस करते हैं जो हमारे क्लिनिक पे ही अवेलेबल होता है और उसके साथ काफी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो डैंड्रफ जो है, डैंड्रफ काबिले इलाज है लेकिन इसको 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। सर जैसे आपने मेंशन किया कि जेनेटिकली बेसिकली होती है, क्योंकि जेनेटिकली होने के अलावा कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया लेटर ऑन इन लाइफ तो क्या उसकी वजह से भी हो रही होती है? हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि एक तो फंगल इन्फेक्शन जो डैंड्रफ के स्केल्स होते हैं इसमें हमें फंगस भी होती है, तभी हम जो शैम्पू यूज करते हैं वो एंटी फंगल शैम्पू भी यूज किए जाते हैं ताकि डैंड्रफ के स्केल खत्म हो जाएं, ठीक है। दूसरी बात जो जरूरी बात है डैंड्रफ में, वो आप खवातीन के साथ मुंसलिक है, रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों ने ब्यूटी सलोन्स और पार्लर्स में जाना होता है, वहां आपने स्ट्रीकिंग भी करानी है, रोलर्स लगवानी है, पर्मिंग करनी है, फिर वो बालों के स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, बाल बड़े फ्रेजाइल हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, और वो जब फ्रिजी होते हैं तो वहां जब वो केमिकल डाई के लगते हैं, हेयर डाई के सर पे, स्कैल्प पे, बालों पे, तो वो भी सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करती है, हेयर डाई और ये स्ट्रीकिंग वगैरह केमिकल जो है उसके साथ भी डैंड्रफ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि बहुत ज्यादा ब्यूटी सलोन्स और पार्लर्स में मत जाएं, कोशिश ये करें कि आप अपना डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर माहिर मराज जिल्द से राब्ता करें ताकि आपको वो लोशन और शैम्पू दे दे जिसके साथ आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाए। एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसे। और सर अगर हम कोई बालों का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं ना, आई डोंट नो जितने भी रीबॉन्डिंग हो गए, ये तो चले एक नाम आते ना, बाकी जितने भी लिस्ट है उनकी, उसके साथ कुछ आपको केमिकल्स वगैरह दे देते हैं, शैम्पूज दे देते हैं, और उनका भी कहीं हद तक इन पे इम्पैक्ट हो रहा होता है कि वो शैम्पूज या प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से भी आपको डैंड्रफ हो रही हो? बिल्कुल आपने बात ठीक की है। बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि जो ब्यूटी सलॉन्स हैं इनमें जो आपको वो शैम्पूज और लोशन देते हैं ना, वो होते हैं कमर्शियल प्रेपरेशन, वो मेडिकेटेड नहीं होती,
वो तो उन्होंने बेचना होता है पैसे कमाने के लिए, तो इस वजह से वो उनमें जो क्या केमिकल्स हैं वो तो हमें पता नहीं होता ना आपको पता होता है, वो उन्होंने वहां अपना सेल करना है और वहां से पैसे कमाने हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि जब भी आपको डैंड्रफ हो, जब भी आपको ये स्केल्स और काफी खुश्की जमी हुई हो, तो अपने माहिर मराज जेल से रब्ता करें, उससे बात करें और वो आपको खुद अपनी लोशन और वो शैम्पू और तेल हम खुद बनाते हैं, डिस्पेंस करते हैं डिफरेंट केमिकल के साथ, जिसके साथ डैंड्रफ खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और सर थोड़ी सी अगर इसके कंपोजिशन के हवाले से बात कर लें ताकि लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि बेसिकली क्या चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं जो कि आपके जो सर की डैंड्रफ है उसको खत्म करी होती है। बेटे इसमें सैलिसिलिक एसिड होती है, हाइड्राइड पर क्लोर होती है, कैस्टर ऑयल की बेस होती है, फिर इसमें हम कोजिक एसिड भी डाल देते हैं कई दफा, तो ये डिफरेंट हमारी प्रेपरेशन है जो हम इसमें डालते हैं और इसके साथ काफी फर्क पड़ता है। और जो सर है, ये जो स्कैल्प है, इसके साथ हमारी डैंड्रफ यानी 90% तक चली जाती है। ठीक है, जैसे आपने जिक्र किया कि आप अपने जो डॉक्टर हैं उनके पास जरूर जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं अगर आपको कोई स्किन का या बालों का इशू आ रहा है, क्योंकि आज वो वाला दौर नहीं है ना कि आप घर में रह के कुछ भी करेंगे तो आपके बाल भी ठीक हो जाएंगे, फेस भी हो जाए, किसी हद तक ठीक होगा, जिनका बेहतर होता है वो मजीद बेहतर हो जाएगा, जिनका खराब है वो ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शैम्पू तो इंपॉर्टेंट है आपके हेयर वॉश के लिए, उसके बगैर तो गुजारें, इसके अलावा है जिनसे आप थोड़ा आपके बाल बेहतर भी हो सकते हैं, शाइन भी हो सकती है बालों में और थोड़ा डैंड्रफ से किसी हद तक बचा जा सकता है। देखिए अभी आपको अगर आप देखें तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमारी नानियां दादियां, हमारे बुजुर्ग लोग, वो सरसों का तेल बहुत इस्तेमाल करते थे जी, सर के ऊपर, और वो सरसों का तेल इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि जिसके साथ वो कहते थे कि एक तो डैंड्रफ नहीं होगी, फिर वो कहते थे कि बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की वो बड़ी अच्छी होगी जब मालिश करेंगे, मसाज करेंगे सरसों के तेल की, वो अभी भी यूज होता है। कोकोनट ऑयल लोग यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हर्बल प्रेपरेशन भी, कुछ लोग दही लगा लेते हैं सर पे, उसके बाद कुछ वो एक नीम का पानी होता है उसके साथ सर धो लेते हैं, आमले का पानी होता है उसके साथ सर धो ले, सो देर आर वेरियस हर्बल प्रेपरेशन जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके साथ काफी फर्क पड़ता है सर इसको डैंड्रफ को। लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि ये जो हर्बल प्रेपरेशन और जो देसी टोटके पहले यूज किए जाते थे ये हर एक को सूट नहीं करते, कुछ लोगों को सूट करते हैं कुछ को नहीं करते, तो मेरा मशवरा ये होगा कि इनको हमें बड़ा एहतियात के साथ यूज करना है, इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहते हैं, तो ये एहतियात के साथ यूज करें, अगर तो सूट करता है फाइन। आप सरसों का, मैं सरसों के तेल के बारे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो हफ्ते में एक या दो बार जरूर सर पे इस्तेमाल करें, उसके साथ आपको सूदिंग इफेक्ट भी आएगा और उसके साथ आपकी डैंड्रफ में भी काफी कमी आएगी। एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसे, और आई वुड अग्री टू यू, ऐसे ही होता है, मैंने भी ऐसे एक बार किया था, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट एज वेल। मैंने प्याज का पानी अक्सर कहा जाता है बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है और उसको मैंने यूज कर लिया, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मेरे बालों को और वैसे मेरे सर को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था, डैंड्रफ बहुत ज्यादा होगी थी और इन्फेक्शन भी मुझे एक्चुअली, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर टोटका हर किसी को सूट नहीं करता, डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा डैंड्रफ आपके बालों के लिए किस हद तक खतरनाक है, क्या इससे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? अक्सर हम मर्द हजरात को भी देखते हैं उनके बालों में मतलब बाल गिर जाते हैं, गंजापन होना शुरू हो जाता है, खवातीन के फ्रंट से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, क्या बाल गिरने की एक रीजन में से डैंड्रफ भी एक रीजन है? देखिए ज्यादातर जो साइंस कहती है बालों के बारे और डैंड्रफ के बारे या जो हमारी रिसर्च कहती है या जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि बाल डैंड्रफ से नहीं गिरते, ठीक है, अच्छा, डैंड्रफ जो होती है नॉर्मली बालों को नहीं गिराती, लेकिन कुछ केसेस में हमारे मरीज आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब से मुझे डैंड्रफ हुई है तब से मेरा हेयर लॉस पड़ गया है, तो मरीजों की एक अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग होती है जो मरीज आके हमें बताता है। लेकिन अगर देखा जाए तो डैंड्रफ जो बाल गिरते हैं ये भी जेनेटिक होता है, मौरूसी होता है, तो आजकल अगर आप देखें तो यंग बच्चे बच्चियां जो है उनके बाल बहुत गिरने लग गए हैं, ये बाल गिरने का जो पैटर्न है वो डाइट से रिलेटेड है, एंग्जाइटी स्ट्रेस से रिलेटेड है कि हम लोग स्ट्रेस कितना लेते हैं, डाइट हमारी कैसी है और क्या हम प्रॉपर अपना शैम्पू या कोई लोशन यूज कर रहे हैं कि डेली एक नया लोशन और शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो ये सारे रीजन है
जिसकी वजह से ये बाल गिरते हैं, लेकिन मेरा ना ख्याल है कि डैंड्रफ के साथ बाल इतने ज्यादा नहीं गिरते। नहीं गिरते, ठीक हो गया। और सर जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि डैंड्रफ जब आपको एक बार होती है थोड़ा सा आपके लिए एम्बैरेसमेंट का भी एक वो हो जाता है, बिकॉज आपके वो सर पे गिर रही है, कंधों पे गिर रही है और नजर भी आ रही थी बाकायदा तौर पर। ये तो एक फिजिकल इफेक्ट हो गया ना कि जो कि अपेरेंटली आपको साथ में नजर आ रहा होता है, उसके साथ कोई स्कैल्प पे इसका इफेक्ट हो रहा होता है? अगर हम इसकी सिवियरिटी के हवाले से बात करें तो कितनी सिवियर है आपके स्कैल्प के लिए और हेड के लिए नुकसान के हवाले से? नहीं देखिए, स्कैल्प पे नुकसान के हवाले से सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है पेशेंट को, वो डैंड्रफ के साथ खारिश होती है सर। पेशेंट आगे कहते हैं कितनी डैंड्रफ है, हर वक्त मेरा हाथ जो है वो सर के ऊपर रहता है, मैं किसी महफिल में बैठा हूँ, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं किसी जगह काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे वो सर में डैंड्रफ जब वो होती है, स्किन ड्राई होती है सर की, तो उसके साथ सर में काफी खारिश रहती है। तो ये एक सिम्टम तो है ना, और वो बड़ा ऑड लगता है अगर आपके सर में डैंड्रफ है और आप शो कर रही है, मैं लाइव बैठा हूँ आपके साथ मेरे सर में और हम दोनों सर को खारिश करनी शुरू कर दें, तो इतना ऑड लगेगा देखने वाले के लिए ये क्या कर रहे हैं, तो वो समझेंगे इसके सर में जुए हैं। हाँ, हो सकता है ना। मेरे पास तो बड़े जुए के मरीज आते हैं। अच्छा। तो वो भी फिर वही होता है, वो अल्लाह कहता है कि ये जुए तो नहीं पड़ गई सर में, तो जुओं की वजह से भी वो यही होता है कि वो कहते हैं कि अल्टीमेटली ये ना हो के सर। लेकिन डैंड्रफ का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही होता है कि वो सर में खुश्की है और खारिश है, इस वजह से डैंड्रफ ज्यादा होती है। डैंड्रफ ज्यादा होती है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसा मसला होता है तो जनाब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें बताएं, अभी अवेलेबल हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो वेदर का इम्पैक्ट नहीं होता, समहाउ वेदर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक तो खुश्की ज्यादा होना शुरू होती है, वेदर ड्राई हो जाता है, सेकेंडली हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है नेचुरली, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर आपको डैंड्रफ का इश्यू है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोली ये कहें कि सिर्फ वेदर की वजह से इम्पैक्ट हो रहा हो तो खाली वेदर की वजह से नहीं होता, जेनेटिक होता है मेजरली, और उसके बाद अगर आपको फंगल इन्फेक्शन लेटर ऑन हो गया तो वो इम्पैक्ट आपको कर सकता है। सो इसका यही है कि आप एहतियात करें, एहतियात में है कि मैं तो सिंपल तरीका कह रहा हूं जो मुझे लगता है, ऑयल इस्तेमाल करें अब घर में, जैसे माए हमारे सर में मॉलिश किया करती थी ना, बाकायदगी से नहाने से पहले एक दो बार ऑयल इस्तेमाल करें, और अगर आपको डैंड्रफ वैसे भी ज्यादा है तो तभी ऑयल का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, जैसे राफे ने कहा कि माए मालिश करती हैं और उनसे काफी फर्क भी होता है, वैसे भी एक एक्सरसाइज के तौर पर आपके जो हेड है, आपके जो बाल है उनमें बाकायदा एक्सरसाइज हो रही होती है ना, बाल ठीक होते हैं, जो गिरने वाले बाल होते हैं वो गिर जाते हैं, बाकी आपकी जो है वो अच्छी होती है। लेकिन राफे और मैं ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे डैंड्रफ को लेकर, कि जब आप बालों में ज्यादा स्प्रे कर रहे होते हैं ना, जैसे हम लोग कर रहे होते हैं या आप लोग शादी पे जा रहे होते हैं, तो स्प्रे की वजह से भी एक डैंड्रफ की फॉर्म में आपकी जो स्किन होती है ना बालों में वो उतरना शुरू हो जाती है। वो डैंड्रफ नहीं होती, वो जो स्प्रे जा रहा जम जाता है ना, इसके लिए स्प्रे जम जाता है और लेटर वो व्हाइट सा बन जाता है, तो उसको भी दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करके रखेगा, क्योंकि एक अरसा हमें पता ही नहीं चला था। हम समझते हैं कि शायद डैंड्रफ होना शुरू हो गया बालों में, फिर हमने की वजह से हो रहा होता है, बकायदा इन्वेस्टिगेट किया कि आया बालों में हुआ क्या है, फिर उसके बाद पता चला कि ये डैंड्रफ नहीं है, ये स्प्रे की वजह से वो एक स्किन के ऊपर जम जाता है और जिसको आप अगर स्क्रैच करें तो वो डैंड्रफ की तरह हो रहा होता है, डैंड्रफ की तरह ही। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम डैंड्रफ है तो फिर उसका हल यही है कि आप डॉक्टर के जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के स्पेसिफिकली जाएं, बिकॉज वो स्किन इशू है, आपके जो बाल हैं उनके नीचे पे स्किन है ना, तो स्किन इशू है, तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि स्किन के मसले को हल कैसे किया जा सकता है। अदर देन दैट घर में माए जो तरीकाकार कर रही होती है, मेरी अम्मा ने ना इरम एक तेल बनाया, उसने पता नहीं अम्मा ने कोई 10 चीजें मिलाई हुई है, कोई मुख्तलिफ किस्म के तेल भी मिलाए हुए हैं, कुछ और भी चीजें एड ऑन की हुई है, तो मैं तो वही यूज कर रही होती हूँ, दैट्स रियली हेल्पफुल। अच्छा, अब ये आंटी ने जो जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले हुए हैं वो हमें पता करूंगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, ताकि अगर हमारे पास कोई अच्छा टोटका है तो बिल्कुल हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपके बाल भी अच्छे हो। तो जनाब यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।